इसमें हया अलैहिस्सलाम पर खड़े होने का नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ में ये है कि जब इकामत हो जाए तो तुम लोग उस वक्त तक ना खड़े हो जब तक तुम मुझे देख न लो। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भाई इकामत सलाह कहा जाए उसके बाद आप खड़े होइए, इसकी कोई दलील नहीं। बुखारी शरीफ में है कि उस वक्त तक ना खड़े हो, ला तकूम हत्ता तरौ, तुम लोग उस वक्त तक ना खड़े हो जब तक तुम मुझे देख न लो। इकामत हो गई, अब नबी तुम सल सलम आ रहे हैं, उसके बाद ये लोग खड़े हो गए, तो ये वजह बताई गई। यानी इकामत पूरी हो जाने के बाद भी बैठे रहो अगर इमाम नहीं आया भाई। इकामत की सलाह अगर किसी ने कह दिया तो खड़े होना चाहिए ना। नबी ने फरमाया कि जब तुम मुझे देख लो तब खड़े हो, इसका मतलब है कि इमाम जब आ जाए तो खड़े हो। तो इमाम अगर पहले आ गया है मुसल्ले के ऊपर तो खड़े हो, पर इकामत की सलाह पर खड़े होने से दलील चली, इसकी दलील चली नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो फला तकूम, तो ना खड़े हो तक तरो नहीं आते कि मुझे देख लो, तो इमाम को देखने से पहले नहीं खड़े होना है। तो ये खुद रद्द कर दिए कि भाई इकामत इस सलाह पे नहीं खड़ा होना, इमाम को देख कर खड़े होना है। और इमाम अगर पहले से आ गया है ऑलरेडी खड़े हो जाना है, इमाम को देख कर खड़े होना है। इकामत इस सलाह कहे तब खड़े होना है, ये दलील नहीं।